आज हम बनाएंगे पापा के फेवरेट मोदक इंस्टेंटली बाजार जैसे मावा मलाईदार मोदक आप घर पे बना सकते हैं। वीडियो आखिर तक देखें क्योंकि हमने बनाए हैं बिना गैस जलाए। पसंद आए तो आप लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इन मोदक को बनाने के लिए मिक्सी के जार में हम डाल देंगे यहाँ पे 1/4 कप चीनी। आप इसके अलावा देसी खांड भी ले सकते हैं। इस तरह के छोटे चम्मच की मदद से आप चीनी का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे ये 2 हरी इलायची। इलायची यहाँ पे हम फ्लेवर के लिए इस्तेमाल करेंगे, अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस तरह से तोड़ के आप चीनी में डाल दें ताकि चीनी के साथ ये इलायची अच्छे से पीस जाए और इसका एक पाउडर बेस तैयार हो। तो इसका ढक्कन बंद करके हम इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पे एकदम पाउडर फॉर्म में हमें चीनी को पीसना है। उससे क्या होगा कि जब हम मोदक बनाएंगे तो उसमें चीनी का दरदरापन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये बनकर तैयार है, लेकिन फिर भी हम इसे छान लेते हैं। तो अब एक छन्नी के इस्तेमाल से ये चीनी हम छानेंगे। तो मिक्सी के जार में जो भी बच जाता है उसे चम्मच की मदद से आप निकालें और फिर छन्नी में डाल दें, क्योंकि ये चिपक ही जाता है चीनी मिक्सी में, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पूरे चीनी को हम अच्छे से छान लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 चम्मच ही चीनी ली है, इसलिए ये ज़्यादा मोटे टुकड़े इसमें नहीं बचेंगे। लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो मोटे टुकड़े जो बच जाते हैं उसे मिक्सी में डाल के आप फिर से पीस सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे छानने के बाद पूरी तरह से ये पाउडर फॉर्म में चीनी हमारा पीस कर तैयार है। अब चीनी में हम डालेंगे ये घर पे बनी मलाई। तो यहाँ पे 2 से 3 दिनों तक की जो मलाई होती है आप उसी का इस्तेमाल करें, ज़्यादा पुरानी मलाई ना डालें, उससे जो टेस्ट है वो कड़वा आने लगता है। तो 4 छोटे चम्मच मैं इसमें ये ताज़ा मलाई डाल देती हूँ। हम यहाँ पे दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब इस तरह के विस्क की मदद से आप इसे अच्छे से मिला दें। तो यहाँ पे ये स्मूथ पेस्ट हमारा चीनी और मलाई का बनकर तैयार है। हम इसे साइड में रख देते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये तैयार हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं मिक्सी का एक दूसरा जार, बड़ा वाला। उसमें सबसे पहले डालेंगे हम बादाम। तो 5 बादाम डाले हैं मैंने, और यहाँ पे ये 1/2 कप मखाने। तो मखाने और बादाम से हम बनाएंगे ये मोदक। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें ये 1/2 कप मिल्क पाउडर। आप चाहे तो इसमें डेरी वाइटनर भी डाल सकते हैं। तो इसलिए हमने चीनी का इस्तेमाल कम किया है क्योंकि ये मिल्क पाउडर भी मीठा होता है। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें ये नारियल का बुरादा यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट 1 कप यहाँ पे ये डालेंगे हम। आपको ये इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप सूखे नारियल को भी घिस के फिर मिक्सी में डाल के पीस सकते हैं। तो इन सबको हम अच्छे से पीस कर ये देखिए कुछ इस तरह से बना लेंगे। तो यहाँ पे आप इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत अच्छे से पीसना है हमें इसे। इसमें कोई भी मोटे टुकड़े नहीं रहने चाहिए क्योंकि हमें इसे मलाई के साथ मिलाना है। तो फिर हमने जो चीनी और मलाई का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा थोड़ा करके इसे डाल के मिला देंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पहले मैंने 1/2 डाला है पाउडर और अब हम पूरा डाल देते हैं और फिर इसे हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये कहीं ड्राई तो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना अच्छे से इसे मसलेंगे उतना ही अच्छे से ये डो बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। जितना मैंने बताया है उसके अलावा बिल्कुल भी मलाई इसमें ऐड ना करें। और फिर यहाँ पे इसे चेक करें, ये अच्छे से बाइंड हो रहा है। अगर ना हो तो इसे मसल दे बहुत अच्छे से, फिर ये तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर का मैंने इस्तेमाल किया है। आप अपने पसंद का कलर डाल सकते हैं या फिर इसके अलावा भी बना सकते हैं। तो सभी चीज़ों को मिलाया है, कलर को भी मिक्स करेंगे और फिर हम चलते हैं मोदक बनाने के लिए। इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है, तुरंत ही आप इसके मोदक बना ले। तो यहाँ पे मोदक बनाने के लिए मैंने इस मोल्ड का इस्तेमाल किया है, बाजार में आपको इजीली मिल जाते हैं। मेरे पास ये पुराना वाला था, काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए सिर्फ 4 मोदक बने हैं 1 कप कोकोनट से। लेकिन आप अगर मीडियम साइज का इस्तेमाल करते हैं तो 8 से 10 बन जाएंगे। तो अब इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ये काजू बादाम के लंबाई में कट किए हुए टुकड़े, इससे ऊपर डिज़ाइन अच्छा आता है मोदक का, तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। तो हम डालेंगे स्टफिंग इस तरह से लंबाई में करके, इस मोल्ड में आप प्रेस कर दें अच्छे से ताकि जो डिज़ाइन है मोदक का वो अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे मैं 2 बार में डाल रही हूँ, पहले डाला मैंने थोड़ा सा स्टफिंग, फिर और अच्छे से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से करेंगे ना तो इजीली ये अंदर जाएगा। तो बस इसे प्रेस कर दें और फिर जो नीचे का शेप होता है उसे, जो एक्स्ट्रा
मोदक का डो लग जाता है वो निकाल दें और ये हमारा मोदक तैयार है। बस हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं और फिर आप देखें कि ये एकदम बाजार जैसा मोदक घर पर बड़ी आसानी से बनकर तैयार है, वो भी बिना गैस जलाए। तो देख सकते हैं आप, कलर और ये डिज़ाइन भी बहुत ही अच्छा आया है, ये देखिए। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। सेम तरीके से हम बाकी के मोदक भी रेडी कर लेते हैं, पापा को बहुत पसंद आएंगे फ्रेंड्स। और अगर आप के पास बिल्कुल समय नहीं है तो इस तरह से ये बादाम कोकोनट के मोदक आप इजीली बना सकते हैं। यकीन मानिए इतना बढ़िया टेस्ट आता है इसका। मेरे घर पे जब मैंने बनाए थे तो सभी को बहुत पसंद आए थे। तो इजी और इंस्टेंट बनने वाले इस मोदक की रेसिपी को आप एक बार ज़रूर बनाएं। पसंद आए तो लाइक करें। और भी मोदक की रेसिपीज आने वाली है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करके रखें।